जब जो इंसान 63,000 करोड़ सिर्फ अपने मीडिया को पे कर रहा हो, तो मीडिया जिसका पाएगा, जिसका खाएगा, उसी के ना बोलेगा। आरक्षण अब तक पालन होना चाहिए था। जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी जी ने अब तक नहीं कराई गई है। हमें इसका तीव्र निंदा करते हैं। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण कई वर्षों से लंबित है, उन आरक्षण के मांगों को पूरा करें। ये तो पता चलेगा अभी 2024 में जब वोट पड़ेंगे। कोई भी चैनल का हो, सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करते थे। तो इनकी मंशा स्पष्ट है, ये आरक्षण विरोधी है। आप अभी कह रहे हैं मोदी जी होश में आओ, मोदी जी तो होश में आपको इतना आरक्षण दिया है और अभी आपको महिला को आरक्षण दिया है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा क्या? महिला आरक्षण का हम स्वागत करते हैं। महिला के अंतर्गत भी एसटी एससी ओबीसी वर्ग आते हैं। इन वर्गों को आरक्षण नहीं देना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार घोर विरोधी है। आरक्षण अब तक पालन होना चाहिए था। जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी जी ने अब तक नहीं कराई गई है। हमें इसका तीव्र निंदा करते हैं, इनका घोर विरोध करते हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, एसटी एससी ओबीसी आरक्षण कई वर्षों से लंबित है, उन आरक्षण के मांगों को पूरा करें। हमारे यहां विधेयक पारित हुआ है आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा, एसटी एससी ओबीसी के वर्गों को आरक्षण को रोका गया है, इनके राज्यपाल अब तक पारित भी किया है। हम इसका तीव्र विरोध करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आए। केंद्र में भारत सरकार में 97 ऐसे सेक्रेटरी बने हैं, लेकिन 33 लोग ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य की बात है और चिंताजनक स्थिति है। जिन वर्गों से हम लोग 52% की आबादी पूरे राष्ट्र में है, इन वर्गों को वंचित रखना देश के लिए कहीं ना कहीं हम सबके लिए घातक है। पर आप कह रहे हैं कि घातक है और वहीं जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। ये तो पता चलेगा अभी 2024 में जब वोट पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी जिन वर्गों से आते हैं, उन वर्गों को वंचित करना, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनको गुमराह करना, निश्चित तौर पे एसटी एससी ओबीसी वर्गों को लाभ मिलना चाहिए। वहाँ लाभ नहीं दिला रहे हैं, पूंजीपतियों को लाभ दिला रहे हैं, अडानी जैसे लोगों को लाभ दिला रहे हैं। उन वर्गों के लिए आगे लाने का प्रयास किया है और एसटी एससी ओबीसी को दबाने का प्रयास किया है। हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। तमाम लाभ तो दिए आपको, राशन दिया है लॉकडाउन में, पिछले तमाम चीजें दी है आपको घर बैठे। ये हमारी केंद्र में जब हमारी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब से ये राशन मिल रहा था और आज तक मिल रहा है। और हम लोग तो निश्चित तौर पे गरीबों के साथ खड़े हैं और गरीब जनता के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जी पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं, इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। बात हमेशा चाहे राजीव गांधी जी हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, तमाम वो बड़े नेता थे। मनमोहन सिंह के जमाने में भी हमारे ओबीसी वर्गों को हमेशा हर जगह लाभ मिलने का लगातार मिलता रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जनगणना, जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी, उसको अभी तक लागू नहीं किया और उसको रोक के रखना कहीं ना कहीं ये घोर विरोधी है। आरक्षण का सबसे ज्यादा घोर विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एक चीज आप उसे बताइए, जिस तरीके से आप लोग एससी एसटी ओबीसी के लिए बात करते हैं और तमाम संख्या बल भी दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या हो जाता है जब इलेक्शन होता है और आपके लोग उसके प्रतिनिधित्व करने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं हो पाते, वजह क्या है? आप लोगों का क्या सहयोग टूट जाता है बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मौन रखने वाले लोगों को चुनते हैं, वो संसद में अपना गुमराह कर लेते हैं और वो अपनी आवाज को दबाने के लिए कभी भी वो आगे नहीं आते। नरेंद्र मोदी जी तानाशाही बात करते हैं और तानाशाही के कारण तुगलकी फरमान को लेते हुए ये हमारे एस टी एस सी ओबीसी वर्ग के चाहे सांसद बीजेपी से हैं, लेकिन इस बात को रखने में अक्षम है और निश्चित तौर पे जनता ऐसे लोगों को इस बार सबक सिखाएगी। 2024 में इनका चला चली का बेला है और नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पे इस बार देश में चले जाएंगे और हमारे केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। मौलाना जी क्या लग रहा है, मौलाना जी आप बताइए क्या लग रहा है देश की सत्ता में, जिस तरह भाजपा लगातार नियंत्रण जीत के आ रही है, आपको लग रहा है कि भगा पाएंगे आप? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसा कहा जाता है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो देश के हैं, अगर मैं हो के अगर कोई मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं उनको चुनूं या उनको रखूं, यकीनन वो मेरी सुनेंगी, न कि मैं उनकी सुनूंगा। वो मैं नहीं कह रहा, ये जबान से ऑलरेडी सीजीआई चंद्रचूड़ जी कह चुके हैं। इन्होंने जितनी नियुक्तियाँ की हैं अपने मनचाहे तरीके से रखा है, चाहे वह क्वालिफाइड हो या न, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात मानेगा, उनकी तरफ करेगा। कितनी अवहेलनाएं की गई हैं, कितने इलेक्शन के
विरोध में काम किए गए हैं, इसी पार्टी से एक भी कहीं FIR दर्ज नहीं हुई, एक भी कहीं। लेकिन जिसने अगर अपोजिशन पार्टी वालों अगर कहीं कुछ बोला, उन पर FIR भी हुई, केस भी किया गया है और दो दो साल के लिए निकाल भी दिया गया पार्लियामेंट से। ये इनकी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। हमें तो और पहले करना चाहिए था, ये किया, चलो दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छा किया, उनका काम ही था। आज तक देख लें आप कोई भी चैनल उनका हो, सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करते थे। देश की तरक्की, देश की उन्नति और देश के बारे में कोई बात नहीं करता। अच्छा, जो जो 14 एंकरों को जिसने आपने इंडिया गठबंधन ने बायकॉट किया है, क्या उसके मालिकों को भी बायकॉट करना जरूरी था क्या? वो ऑलरेडी बायकॉट हो चुके हैं, जब उनके एंकरों को बायकॉट किया तो समझ लीजिए कि मालिकों को बायकॉट कर चुके। इसके बाद दूसरी लिस्ट और आ रही है, गौरतलब बात बता रहा हूँ, दूसरी लिस्ट और आ रही है जिसमें और जितने अपने को तुर्रम खान भर रहे हैं ना, वो सब उसी में है। लेकिन सवाल तो ये आ रहा है ना कि आप एंकरों के सवालों से डरते हैं, सवाल ये है। सामना नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर चले जा रहे हैं, राहुल गांधी। जब जो इंसान 63,000 करोड़ सिर्फ अपने मीडिया को पे कर रहा हो, तो मीडिया जिसका पाएगा, जिसका खाएगा, उसी के ना बोलेगा। और ये आज तक मैं कह रहा हूँ, इतना गलत हो रहा है, मणिपुर में किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक, यही मीडिया वाले जिनको अलग किया गया है। दो महिलाओं को नंगा निर्वस्त करके घुमाया गया, कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोले, क्यों क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये वो बोल नहीं सकते जो गवर्नमेंट चाहती है। देश भर में ये संदेश जा रहा है, राहुल गांधी जी गरीबों के साथ है, हर भारतवासी के साथ है, जमीन में रहने वाले लोगों के साथ है, कुलियों के साथ है, अपनी भावना प्रकट कर रहे हो। राहुल गांधी चुनावी स्टंट कर रहे हैं लोगों के पास जा जा करके। इलेक्शन के टाइम पे कैसे याद आता है कि नहीं, हमेशा करते हैं। राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की है, सबको देश की लोगों को समझने के लिए, उनके ही मिलने के लिए। इलेक्शन के समय कोई काम नहीं होता, करते इलेक्शन के समय भाजपा करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा मिला है? फायदा मिला है, भारत जोड़ो देश में नफरत के जगह मोहब्बत की बाजार लगाए हैं, मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, आपस में देश में भाईचारा स्थापित हुआ है, प्रेम से रहना है, हमको हिंदू मुस्लिम को बांटना नहीं, भारत देश एक है, भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं रहेगा। राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस कर रहे थे? राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्री के रूप में लगातार उनके साथ 150 दिन चला हूं। निश्चित तौर पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और 3750 किलोमीटर हम लोग उनके साथ रहे हैं। आज देखिए, उनके भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक की जीत हुई और हिमाचल में हमने जीते, और आने वाला दिनों में भी राहुल गांधी जी के साथ जमीन से लेकर आसमान तक हम लड़ाई लड़ने वाले हमारा नेता है तो राहुल गांधी जी है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी देश के ऐसे जननायक नेता है जो पद यात्रा के माध्यम से, चाहे कुली भाई लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, मजदूर भाइयों के साथ खड़े हैं, किसान वर्गों के साथ खड़े हैं, हर वर्गों के साथ राहुल जी खड़े हैं, व्यापारी जगत में भी राहुल गांधी जी ने अपना स्थान बनाया। राहुल गांधी भी अब मीडिया मैनेजमेंट करना सीख लिए हैं मोदी जी से, लगातार फोटो खिंचवा रहे हैं जगह जगह जाके। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी जिस जगह में जाते हैं मीडिया उनके पीछे पीछे भागते चली जाती है, उनको फोटो खींचते हैं, वैसी नेता भी है, सच्चा है, देश का सत्य नेता है, सत्यवादी है, सत्य बोलते हैं और हम उनके साथ हैं। मुझे गौरवान्वित है मैं उनके साथ कंटेनर में रह के और राहुल गांधी जी के साथ चला हूँ। आज मुझे अपने नेता पर गर्व होता है। तो आपको लग रहा है जिस तरह राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि हम भाजपा को 24 में हरा देंगे, आपको लग रहा है कहीं उम्मीद है दूर दूर तक भी? बिल्कुल, इस बार 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे, आने वाला दिनों में मजदूर व्यापारी हर वर्ग उनके साथ खड़े हैं, महिलाएं खड़े हैं, इतने लोगों का आशीर्वाद लिए हैं, करोड़ों लोग इस कारवा में जुड़े, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, उनका संदेश कहीं न कहीं 2024 में आप चुनाव जीतने के बाद जैसे मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी लगा रही है लगातार, तो मास्टर स्ट्रोक का भी पता चल जाएगा 2024 में। आप झुंझुना पहला रहे हो, हम लोगों ने सोचा कि अभी लागू हो जाएगा, अब 2026 में लागू करेंगे, नया परिसीमन में लागू होगा, अरे हमारी मांग तो भी कल से ही लागू करें। लेकिन ओबीसी का वोट तो उठा ले जाएगी ना, ओबीसी का वोट उठा के ले जाएगी बीजेपी। ओबीसी की बात करने वाला देश के नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लोगों को कोई रुचि नहीं दिखाते। STSC ओबीसी के वर्ग आज सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग से जो बात हुई थी, विधेयक पारित हुआ था, इनके भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल उसको रोक के रखे हैं, तो इनकी मंशा स्पष्ट है, ये आरक्षण विरोधी है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।